इसलिए मेरे प्यारो साबड़ा वालों, बयान सुनना अलग बात होती है, समझना अलग बात होती है। मैंने पहली बात आपको बताई थी अल्लाह से डरना, बोलो ला इलाहा। दूसरी बात मैंने बताई मुस्तफ़ा का दामन, और तीसरी बात बताता हूँ, वादा करो पढ़ेंगे नमाज। बोलो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। भाई मस्जिद में पढ़ लेना, अल्लाह ने सब ताकत तो दी है, मस्जिद में पढ़ लेना। चलो कभी बहुत बिजी हो गया, मैं नहीं बोलता कि काम नहीं रहता, कभी थोड़ा इधर उधर हो गया, भाई घर में पढ़ लेना, अपनी दुकान में पढ़ लेना, भाई नमाज पढ़ ले, किसी भी हाल में नमाज पढ़ ले। मेरे प्यारो साबड़ा वालो, अल्लाह की कसम खा कर कहता, अल्लाह ने नमाज को माफ। आप सब मेरे को बोलो, अल्लाह ने नमाज माफ किया? अल्लाह ने कहा खड़े होकर पढ़ो। अब कोई बेचारा होता है कहता अल्लाह पाँव बहुत दुखता है, मेरा पाँव फ्रैक्चर हो गया, मैं खड़े होके कैसे पढ़ूंगा। अल्लाह ने कहा छोड़ दे नमाज। क्या कहा? बैठ के पढ़ो। कैसे पढ़ो? कोई कहता मैं बैठ के भी नहीं पढ़ सकता, मैं तो हॉस्पिटल में हूँ और मेरे को डॉक्टर ने लिटा दिया है, अरे मेरे को बोतल चढ़ रही है और मैं तो बहुत बीमार हूँ। अल्लाह ने कहा लेटे लेटे पढ़ो। ये नहीं कहा कि माफ है, खड़े होकर पढ़ो, नहीं पढ़ सकता तो बैठ के पढ़ो, नहीं बैठ के पढ़ सकता तो लेटने वाला कहता मैं रुकू कैसा करूंगा, भाई रुकू कैसा करूंगा, लेटा हुआ आदमी सजदा कैसा करूंगा। अल्लाह कहता ना, आंखों के इशारे से रुकू भी कर लेना, आंखों के इशारे से सजदा भी कर लेना, लेकिन मैं नमाज को माफ नहीं करूंगा। बोलो अल्लाह ने कहा मैं नमाज को माफ नहीं करूंगा। खड़े पढ़ना, बैठे पढ़ना, लेटे पढ़ना, आंखों से इशारा करके रुकू करना, आंखों के इशारे से सजदा करना, लेकिन अल्लाह कहता मैंने माफ। पूरा मजमा बोलो अल्लाह ने नमाज को माफ किया। अच्छा माफ किया, आप लोग ना बोल रहे हो लेकिन दो जगह अल्लाह ने माफ किया। कौन सी जगह? अगर छोटा बच्चा हो बोलो माफ। अरे छोटा बच्चा नमाज नहीं पढ़े तो कोई गुनाह होगा? नहीं बोलो ना कोई गुनाह। वो अलग बात है कि हमारे नबी ने फरमाया बच्चा 7 साल का हो जाए मुरु सिबिया नकुम बिसला इदा बलगु सबा। हमारे नबी फरमाते 7 साल का बच्चा हो जाए नमाज का हुक्म दो, लेकिन अगर नहीं पढ़ेगा तो कोई गुनाह? तो बच्चा देखो दो जगह अल्लाह ने माफ कर दिया नमाज। बच्चा बोलो माफ, बोलो। और नंबर दो, कोई पागल हो, पागल जिसका दिमाग ही नहीं चलता, कहीं भी कपड़ा पहना नहीं पहना, कहीं रास्ते पे चिल्लाता है, आपने देखा होगा ना बहुत से पागलों को देखा होगा, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो पागल पर भी नमाज, बोलो पागल पर भी नमाज। तो कितनी जगह माफ हो गई? एक बच्चा और नंबर दो। अब जो लोग यहाँ फजर नहीं पढ़ते, बच्चे तो है नहीं, सीधी बात है भाई, मैं क्या को बोलूं? आप खुद ही सोचे कि अल्लाह ने माफ किया, और जो नहीं पढ़ता या तो बच्चा होगा या पागल होगा, बच्चे तो ही नहीं माशाल्लाह सब बड़े बड़े गए। इसलिए मेरे प्यारो, दुनिया वाला हमको पागल कहे हमको अच्छा नहीं लगता, ऊपर वाला रोजाना पागल कहता होगा। इसलिए मेरे प्यारो, तीसरी बात के लिए कौन कौन तैयार है? पक्का वादा करो नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मैंने पूरा मजमा साथ में बोले, बोलो नमाज पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह। काफी देर हो गई, साथ में बोलो भाई नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब एक आखिरी बात, इस पर बात ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। और ये आखिरी बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत सारे जवान बैठे हैं, सुनेंगे ना सब लोग इंशाल्लाह। मैं सिर्फ एक बात बोलने के लिए आया हूँ, बहुत वक्त नहीं लूँगा, 10 मिनट, सिर्फ ये बोलने के लिए आया हूँ। आप कलमा पढ़ते हो बोलो माशाल्लाह, नमाज भी पढ़ोगे बोलो इंशाल्लाह, रोज़ा भी रखोगे रमज़ान में इंशाल्लाह। एक गुनाह मेरे प्यारो, एक गुनाह ऐसा है जो मौत के वक्त कलमा भी नसीब नहीं करता। ए सुन लो साबड़ा वाले सब सुन लो, वो गुनाह कौन सा है? अगर मेरी और आपकी माँ नाराज़ है या बाप नाराज़ है, अल्लाह मौत के वक्त कलमा भी नसीब नहीं करेगा। इसलिए मैं तमाम से कहूँगा, अपनी माँ से माफ़ी मांग लो भाई, अपने अब्बा से माफ़ी मांग लो। बहुत सारे यहाँ जवान बैठे, अरे मेरे को मालूम नहीं ये कैसे अपनी माँ को गाली देता है, माँ को डांटता है, माँ को धक्का मारता है, माँ के ऊपर हाथ उठाता है, माँ को कभी कभी कहता माँ तेरा घर नहीं, अपने घर चली जा। क्या है मेरे दोस्तों? नहीं सच बताओ, ये हमारा ईमान है? वो हमारी माँ जिसने 9 महीने तक हमको पेट में रखा, वो हमारी माँ जिसने कितनी दर्द के साथ हमें जना, वो माँ जिसने 2 साल तक अपनी छाती से लगाकर हमको रखा, वो माँ कि हम कितनी भी गलती करते थे वो बेचारी हमको नहलाती धुलाती पेशानी पे बोसा देती। आज मेरे दोस्तों हमारी जबान पर एक बात है कि मेरी माँ सो गई, रात को 10 बजे दरवाजा बंद करके सो गई। मेरे दोस्तों वो सोती नहीं है, रातों को बिलक बिलक के रोती है और अल्लाह से कहती है अल्लाह 6-6 बच्चों को बड़ा कर दिया। अच्छे बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं संभाल सकते मेरे प्यारो। एक बात का मेरे को जवाब दे दो, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी?
हमारे यहाँ पे आप जाते होंगे मस्जिद में, बोलो जाते होंगे ना मस्जिद में, नमाज पढ़ने जाते होंगे तो टाइम लगा होता है, घड़ी लगी होती है भाई, जैसा 8 बजे तो ईशा की नमाज खड़ी होगी। हमारे नबी के ज़माने में घड़ी थी, बोलो ना हमारे नबी के ज़माने में घड़ी थी ना, ईशा का वक्त हुआ सारे साहब आके बैठ गए, जब हमारे नबी आते थे आकर ईशा की नमाज पढ़ाते थे। मेरे दोस्तों मैं आपको बहुत अजीब बात बताने जा रहा हूँ कि हमारे नबी ईशा की नमाज पढ़ाने आए, बोलो ईशा की नमाज पढ़ाने, और ये उस वक्त की बात है जब हमारे नबी की उम्र 50 से ज़्यादा हो गई, 50 से ज़्यादा हमारे नबी नमाज पढ़ाने आए। अब सारे साहबा खड़े होने लगे कि चलो ईशा की नमाज होगी, हमारे नबी आके बैठ गए। अब सारे साहबा भी बहुत देर तक हमारे नबी रोते रहे रोते रहे रोते रहे, वो तो हजरत अबू बकर करीब आए और कहने लगे अल्लाह के रसूल आप रो रहे, सब लोग इंतज़ार कर रहे ईशा की नमाज का इंतज़ार कर रहे और मेरे नबी आप रो रहे, क्या हुआ क्या? हमारे नबी ने एक जुमला फरमाया, अज़कुरु उम्मी, मुझे मेरी माँ याद आ रही है। क्या फरमाया? मुझे मेरी, हालांकि हमारे नबी की उम्र थी 6 साल, बोलो कितनी उम्र, तब हमारे नबी की वालिदा बीबी आमीना एक सफ़र में जा रहे थे, एक सफ़र में जा रहे थे, बोलो हमारे नबी की उम्र कितनी थी? 6 साल। और उसी वक्त बीबी आमीना हमारे नबी की वालिदा का इंतकाल हो गया। और आपको मालूम होगा मैंने फिर बताया हमारे नबी की उम्र कितनी थी, जब इंतकाल हो गया और आपको जब दफन करने लगे तो एक औरत साथ में थी जिनका नाम है उम्मे अयमन, बोलो क्या नाम है? उम्मे, उन्होंने हमारे नबी का हाथ पकड़ा, दफन हो गई माँ, दफन हो गई हाथ पकड़ा, मालूम है आपको हमारे नबी ने हाथ छुड़ा दिया और भागते भागते गए और अपनी अम्मी की कब्र को जाके पकड़ लिया, कहा अम्मी मैं अकेले नहीं जाऊंगा, अम्मी मैं अकेले नहीं जाऊंगा, अम्मी मैं तुमको साथ में लेकर जाऊंगा। मेरे दोस्तों वो 6 साल की उम्र आज हमारे नबी की उम्र 50 साल से ऊपर हो गई है, आप नबी बन गए हैं, सारे नबियों के इमाम बन गए हैं, अल्लाह ने सबको आपका गुलाम बना दिया है। वो नबी ईशा की नमाज पढ़ाने से पहले कहते बोलो मुझे कौन याद आ रही है, और फिर क्या कहा मालूम, लैता उम्मी हैया, काश मेरी माँ जिंदा होती। हमारे नबी फरमाते काश मेरी माँ जिंदा होती, अब मैं नमाज के लिए आता, मैं नमाज के लिए आता और मेरी माँ की आवाज़ आती मोहम्मद, मेरी माँ की फिर आवाज़ आती मोहम्मद, अल्लाह की कसम मैं नमाज बाद में पढ़ाता, पहले माँ की जाके खिदमत कर लेता। मेरे प्यारो वो नबी 50 साल की उम्र के बाद कहते मुझे मेरी माँ याद आती है। हमारी माँ होते हुए भी हमको याद नहीं आती है, हमारी माँ जिंदा है। कितने लोग माँ को मारते हैं सही में, कितने लोग माँ को माँ की गाली देते, कितने लोग माँ को कहते माँ तूने किया क्या? अल्लाह अकबर, अल्लाह की कसम अगर माँ के हाथ उठ गए ना एक बार बद्दुआ कर दी, अल्लाह कहता ये माँ की बद्दुआ आएगी, मेरे और ये माँ के बीच में कोई पर्दा नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारो ये बहुत सारे बच्चे भी बैठे जवान भी बैठे हैं, एक काम करो, करोगे इंशाल्लाह, मैं भी करूंगा आप भी करोगे ना इंशाल्लाह, जाओ अपनी माँ के पास जाओ, जाओ कभी जाओ, जाओ बल्कि रोज जाओ माँ के पास, जितना मोबाइल पे बिजी रहते हो ना छोड़ो, माँ के पास जाओ और माँ के पास जाओ, देखो माँ हंसती है ना कभी, भाई माँ भी तो मूड में आती है ना, धीरे से माँ के पास जाओ और माँ के पाँव पे हाथ रखो, कहो माँ माँ मैं तेरा बेटा माँ, लेकिन सब बेटों में सबसे खराब बेटा मैं, माँ मेरे को माफ़ कर देना, प्यार से बोलो, रोते रोते बोलो माँ मेरे को माफ कर दे, मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ माँ की ममता जोश में आएगी, आपके सर पे हाथ रखेगी और कहेगी जा जा बेटा मैंने माफ कर। अब माँ को कहो माँ तुझे मालूम है मेरे घर का क्या हाल है, माँ मेरी बीवी मेरे बच्चे तू सबको जानती, माँ मैं तेरी खिदमत नहीं कर सकता, माँ माँ मेरे को माफ कर दे, माँ की जुबान से निकलेगा जा बेटा मैंने माफ कर दिया। हमारे नबी फरमाते अल्लाह आसमान पर कहता है फरिश्तों वो जमीन पर माँ ने बेटे को माफ कर दिया, गवाह रहो मैंने भी मेरे बंदे को माफ कर दिया। इसलिए ये जो जो बात मैं कह रहा हूं सिर्फ सुनना नहीं है, आज से उस पर अमल करना। कौन कौन तैयार है तो मैं बात ख़त्म करूं भाई, अमल करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मुझे अल्लाह का जिक्र भी कराना, करेंगे ना इंशाल्लाह, हमें नबी पर दरूद भी पढ़ना पड़ेंगे इंशाल्लाह और दुआ भी करेंगे ना इंशाल्लाह। लेकिन फिर एक मरतबा पहले बताओ ला इलाहा, डरेंगे तो किससे? अल्लाह से। नंबर दो ये मोबाइल, मोबाइल नहीं छोड़ने का है,
मोबाइल तो रखने का है, काय को तोड़ेंगे फोड़ेंगे भाई मोबाइल, 30,000 का 40,000 का, उसमें कुरान की आयतें लेकर आओ, उलमा के बयान लेकर आओ, तकरीर लेकर आओ, नज़म लेकर आओ, नात लेकर आओ, अच्छी अच्छी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जो दुनिया के इल्म है वो उसमें लोड कर दो, ताकि हमारे पास दीन का इल्म भी हो, हमारे पास दुनिया का भी इल्म हो। बोलो करोगे ना इंशाल्लाह। लेकिन ये कौन सी गेम बताई थी, भूल गया। वो बोलो कौन कौन, हाथ ऊपर करो, नहीं खेलेंगे इंशाल्लाह, बल्कि कोई भी गेम मोबाइल पर नहीं खेलेंगे, कोई भी लड़की को नचाने का काम, बोलो पक्का वादा ना इंशाल्लाह। हाँ बोलो ला इलाहा। दूसरी बात, मुस्तफ़ा का दामन। नंबर 3, नमाज का दामन। और नंबर 4, कौन कौन तैयार है अपने माँ बाप से माफ़ी मांग लेंगे इंशाल्लाह। बोलो मांगेंगे ना, प्यार मोहब्बत से मांग ले, हम नीचे नहीं होंगे, हमारी नाक नहीं कटेगी, अल्लाह बहुत इज्जतों से माला माल कर देगा। मैं अब तमाम का जितने साबड़ा में आए हैं, माशाल्लाह आपका इंतज़ाम जो देखा, और मेरी तबीयत ठीक नहीं, फिर भी अब दावत कबूल कर ली थी तो मैं आ गया। अब यहाँ से फिर वापस लंबा सफ़र करना है, आप सब दुआ करें अल्लाह सफ़र को आसान फरमाए। लेकिन मैं 4 अमानत आपको दे के जा रहा हूँ, याद रहेगी ना अमानत। आइंदा आइंदा आओ ना, आओ के ना आओ के नहीं आओ आइंदा, तो ये 4 बातें याद रखोगे, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुस्तफ़ा का दामन, नमाज का दामन, और माँ बाप की खिदमत। बस अल्लाह आपको और जिन लोगों ने मुझे दावत दी, खास करके यहाँ के उलमा, मैं जब आ रहा था तो मुफ्ती आज़मतुल्लाह साहब यहाँ बयान कर रहे थे, अल्लाह उनकी भी उम्र में बरकत अता फरमाए, जितने उलमा किराम ने यहाँ बयान किया, बल्कि अल्लाह तमाम उलमा, यहाँ हमारे मौलाना सोहराब साहब बैठे हुए हैं, इसी तरीके से हमारे मुख्तार भाई, हमारे अशरफुल भाई, हमारे मौलाना उस्मान साहब, और आज के दावत देने वाले ये पूरी कंपनी है, क्या नाम है कंपनी का, न्यू डायमंड क्लब वाले। और मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे प्यारों, जिस तरह आपने ये बुके दिया, ये गुलदस्ता दिया, और आपने जिस तरीके से प्यार मोहब्बत से यहाँ लेकर आए, वाकईतन आप मेरे से मोहब्बत करते हो, मैं भी आपसे कलकत्ता वालों बहुत मोहब्बत करता। आपको नहीं मालूम होगा, जब से कलकत्ता पहली मरतबा आया, ये मौलाना सोहराब साहब की दावत पर पहली मरतबा जब कलकत्ता आया, उसके बाद से लेकर आज तक जब भी कभी दुआ के लिए हाथ उठता है, मैं सबके लिए दुआ करता, अल्लाह ये जितने कलकत्ता में सुन रहे, अल्लाह सबको हिदायत नसीब फरमा दे। बोलो आमीन। सबके जान माल उम्र में बरकत अता फरमा दे, सबको तंदुरुस्ती अता फरमा दे। मैं आपके लिए दुआ करता, आप मेरे लिए दुआ करोगे ना इंशाल्लाह। और मेरे प्यारो, बहुत अच्छे अंदाज में आप लाए, खिलाया पिलाया सबका, पूरे न्यू डायमंड क्लब का पूरा दिलो जान से मैं शुक्रिया अदा करता। क्योंकि होता ही है कि एक आदमी आके मुलाकात करता, एक फूल दस्ता दे के जाता, एक शाल ओढ़ा के जाता, बाकी मेहनत करने वाला तो पूरा साबड़ा गाँव होता है, सारे जिम्मेदार होते, कितनी माओं का हिस्सा, कितनी बहनों का हिस्सा, कितनी बेटियों का हिस्सा, मैं सबका शुक्रिया अदा करता। और शुक्रिया अदा करने के साथ मैं सबको एक मर्तबा सलाम करता हूं। आज सब मेरे सलाम का जवाब दे दो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।